हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। द्वारी केस समूह के आरआर मुरारका पब्लिक स्कूल में आज 16वां दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि द्वारिकेश शुगर इंडियन लिमिटेड की द्वारिकेश नगर एवं द्वारिकेश पुरम इकाई के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष एनके खेतान एवं द्वारिकेश धाम बरेली इकाई के वरिष्ठ अधिशासी उपाध्यक्ष आरके गुप्ता रहे, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। द्वारिकेश परिवार के मुखिया मुरारका ने अपने संदेश के माध्यम से बताया कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी एवं आरआर मुरारका विद्यालय के अध्यापक गण उनके परिवार के सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य द्वारिकेश समूह के लिए विशेष महत्व रखता है। सभी के श्रेष्ठ प्रदर्शन का ही परिणाम है कि आज द्वारिकेश समूह चीनी मिल समूह में अपनी पहचान रखता है। संस्थान अपने स्थापना दिवस से ही क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बुंदकी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना की गई, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। वहीं संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक सुदर्शन सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि द्वारिकेश समूह अपने उन कर्मचारी एवं अधिकारियों को जिन्होंने द्वारिकेश धाम परिवार के सदस्य के रूप में 10 वर्षों एवं 25 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस 16वें दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। द्वारिकेश समूह पिछले 15 वर्षों से इस समारोह का निरंतर आयोजन कर रहा है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि इस बार यह खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि द्वारिकेश परिवार से जुड़े 18 सदस्यों को 25 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। इसलिए संस्थान ने उन सदस्यों जिनके 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है तथा 28 सदस्य जिन्होंने 10 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, साथ ही 4 सदस्य जिनका 20 से 25 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है और सम्मानपूर्वक अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में समूह के विद्यालय आरआर मुरारका पब्लिक स्कूल के एक अध्यापक जिनका 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है एवं एक अध्यापक जिनका 20 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सभी सम्मानित सदस्यों को स्मृति चिन्ह पुरस्कार एवं नकद राशि से सम्मानित किया गया। वहीं आरआर मुरारका पब्लिक स्कूल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ रही। संस्थान के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिजन, स्कूल प्रधानाचार्य व स्टाफ के साथ क्षेत्रीय जनता, पत्रकार बंधुओं, कृषक भाइयों एवं अनेक गणमान्य आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। स्कूल के बच्चों ने अनेक मनोरंजक कार्यक्रम कर दीर्घकालीन समारोह की शोभा पर चर्चा की। श्री आरके गुप्ता जी का और विशेष रूप से हमारे प्रधारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदया, उनके साथ साथ में हमारे जितने पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का, सभी सम्मान लेने वाले सम्मानित सदस्यों के पारिवारिक सदस्यों का, हमारे उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी बंधुओं का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हुए अपने आप को बड़ा गर्व और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथियों, जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों को ये जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने
एक बड़ी लंबे अंतराल के बाद में हम लगातार प्रतिवर्ष इसको आयोजित करते आ रहे हैं और ये हम सबके लिए एक बड़ी गर्व का विषय है कि हमारे पूरे संस्थान के अंदर कोई हाथ पे गिनती करने के लायक नहीं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर हम लोगों का को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पे बहुत से सदस्यों को हम लोगों ने आज तक सम्मान प्रदान किया है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताते चलूं, आज तक हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम लॉन्ग सर्विस अवार्ड हम लोगों ने शुरू किया था 2006 के अंदर और आज की तिथि हम लोगों ने इसलिए नियुक्त करी या इसलिए हमने चूज करी क्योंकि आज ही के दिन हमारे द्वारिकेश जो संस्थान है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारे लिए न केवल लॉन्ग सर्विस अवार्ड है बल्कि ये हमारा आज एनुअल डे भी है। साथियों, अभी तक कुल मिलाकर के हम लोगों ने 10 साल के अंदर जो हमारे प्रबंध वर्ग है या वेज बोर्ड है या आर का पब्लिक स्कूल के भी हमारे बहुत सारे बंधु हमारे इसके अंदर सम्मान लेते आए हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 1294 लोगों को 10 साल का अवार्ड दे दिया है। ये फिगर कोई बहुत छोटी फिगर नहीं है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो कमिटमेंट है, जो लगाव है, जो समर्पण है, जो समूह के प्रति अपनी जिम्मेवारी है, उसको कितनी हम सजगता से और कितने लगन से हम उसको निर्वहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 20 वर्ष के जो अवार्ड लेने वाले हैं, जो अभी तक हम लोगों का 20 वर्ष का जो अवार्ड हम देते हैं, उसके अंदर कुल प्रबंध वर्ग में 106, वेज बोर्ड के अंदर 236, आर पब्लिक स्कूल में 9 अध्यापकगण, कुल मिलाकर के 2006 से लेकर के अब तक 351 व्यक्तियों ने या 351 सदस्यों ने ये सम्मान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमने पिछले 2 साल से 25 साल के सम्मान का भी एक नई कड़ी हम लोगों ने इसमें जोड़ी, उसके लिए हम विशेष रूप से हमारे मालिक मिस्टर गौतम आर मोरारका जी के दूरदर्शिता और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, उनका प्यार है, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो प्रतिबिंबित होता है। अभी तक 25 साल के अवार्ड जो लेने वाले कुछ लोग हैं उनमें 105 अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों को हम ये सम्मान प्रदान कर चुके हैं। इसी प्रकार से एक छोटी सी इकाई है आपकी आर मोरारका पब्लिक स्कूल, लेकिन जो क्रम हम लोगों ने द्वारिकेश शुगर में जो क्रम हमने अपनी इंडस्ट्री के अंदर चालू किया था वही क्रम आज आप आर मोरारका पब्लिक स्कूल में भी देखेंगे। यहां पर कुल मिलाकर के 57 व्यक्तियों और अधिकारियों कर्मचारियों को यह सम्मान मिल चुका है। ये हम लोगों के लिए और विशेष रूप से समय विभाग और एचआर विभाग के लिए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है हम लोगों को कि इतने लंबे समय वही व्यक्ति टिक सकता है, वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसमें अपने परिवार के प्रति, अपने जिम्मेवारियों के प्रति और अपने निष्ठा के प्रति जो पूरा लगन होता है उसी का यह प्रतिबिंब है। हमारे आज के और नीचे कर्मचारी हमेशा प्रबंध वर्ग में हमेशा सहभागिता और आपसी मेलजोल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समय समय पर और हर एक स्तर के ऊपर हम लोग जो है हर कार्यक्रम जो है वो सहभागिता के आधार पर आयोजित करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके और यही परिणाम आप लोगों के सामने है। अपने उन सभी साथियों का इस कार्यक्रम में जिनके लिए आज हमने यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया है और वो आज हमारी
शोभा बढ़ाने में सबसे अग्रणीय पंक्ति में है। मैं सभी 10 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष के लिए जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उन साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।